दोस्तों, काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिरकार जीएसटी का फायदा क्या है, जीएसटी को लागू कैसे किया गया और आम व्यवसाय के लिए, छोटे व्यवसाय के लिए या किसी भी वर्ग के व्यवसाय के लिए इसके फायदे और नुकसान क्या है। आज इस वीडियो के जरिए इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जीएसटी की जानकारी देने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। तो बात जीएसटी की कर रहे हैं तो आज हम बताएंगे कि जीएसटी के फायदे क्या हैं, किस वर्ग के लिए ये कैसे फायदा पहुंचाता है और लगातार जो टैक्स की मार की हम बात करते हैं, जीएसटी क्या उस टैक्स की मार से भी हमें बचाता है, आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जीएसटी होने से जवाबदेही भी बढ़ गई है और सब कुछ जो है ट्रांसपेरेंट हो गया है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी है इसमें। एक तरफ जीएसटी से जहां सरकार को तो फायदा मिल ही रहा है, वैसे ही आम उपभोक्ता, आम व्यवसाय या कॉमन पीपल को भी जीएसटी का फायदा कहीं ना कहीं जरूर मिल रहा है। तो चलिए इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं कॉमन मैन की, यानी कि आम आदमी की। तरह तरह के टैक्स खत्म होने और टैक्स के ऊपर टैक्स खत्म होने से प्रोडक्ट की लागत में अननेसेसरी बढ़ोतरी नहीं होती है। जाहिर है कि वस्तुओं के दाम भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। कॉमन पीपल के लिए ये बेहतर स्थिति है। आम जरूरत की चीजों पर कम टैक्स लग रहा है, कॉमन पीपल के ज्यादा काम आने वाली चीजें सस्ते में मिल रही हैं और जनता के बड़े वर्ग को इसका बेनिफिट मिलता है। बात की जाए सरकार के फायदे की तो मार्केट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जीएसटी के दायरे में आ जाने से सरकार की जो इनकम बढ़ेगी उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी जन सुविधाओं का लेवल भी सुधरने की उम्मीद है। अब बात करते हैं बिजनेसमैन के फायदे की, क्योंकि एक व्यवसायी के तौर पर इस जीएसटी को समझना आसान बात नहीं थी, लेकिन सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर राज्य में टैक्सेस का अलग अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से कारोबारियों के लिए उसे समझना आसान नहीं था। तरह तरह की चुंगियां अलग से बोझ बढ़ाती थी। अधिकारी कर्मचारी भी ज्यादा नियमों का गलत फायदा उठाते थे, पर अब बिजनेसमैन को इन झंझटों से नहीं गुजरना पड़ता। इसी वजह से बिजनेस की स्पीड भी बढ़ी और फायदे की मात्रा भी। लघु उद्योगों और उद्यमों को केंद्र व राज्य सरकारें रियायतें देती हैं। इसका बेनिफिट उठाने के लिए बड़े उद्यम को ही कई हिस्सों में छोटा छोटा करके रखा जाता था, लेकिन अब जीएसटी के चलते इसकी जरूरत नहीं होती और इसी वजह से अब बड़े उद्यमों में ज्यादा सस्ता और कॉम्पिटिटिव माल बन पा रहा है। इसके अलावा सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन होने से किसी भी तरह की आप हेरा फेरी नहीं कर सकते, या फिर किसी भी तरह से कोई और हेरा फेरी करना चाहे या आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो तुरंत ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में आ जाता है। तो ये तो एक फ़ायदा है ही, और दूसरी बात कि आपको किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जिसमें आपका पैसा भी वेस्ट होता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम भी वेस्ट होता है। आप ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के फायदे। जीएसटी लगने से मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड था। प्रोडक्शन से लेकर बिक्री तक की चेन में बहुत सी जगहों पर काम दिखाया ही नहीं जाता था और उन पर टैक्स भी सरकार को नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जीएसटी में ऐसे छोटे लोग भी टैक्स की इस चेन में जुड़ चुके हैं, जिससे सरकार की इनकम भी बढ़ी है। क्योंकि अब हर स्टेज पर खरीदारी और बिक्री की रसीदों का मिलान होता है, तो इसी वजह से स्टेजेस में जमा किया गया टैक्स क्रेडिट का फायदा कारोबारियों को मिल पा रहा है। इस चेन में क्योंकि हर किसी को बिल देना और बाद में उसकी रसीद पेश करना जरूरी है, इसलिए मार्केट पर पूरी तरह अकाउंटेड हो चुकी है और ब्लैक मार्केट पर भी काफी हद तक लगाम लगी है। इसके अलावा पहले की व्यवस्था में कोई चीज अगल बगल के राज्यों में ही अलग अलग प्राइस पर मिलती थी। इसका एक दुष्परिणाम ये भी होता था कि राज्यों के सीमावर्ती जिलों से लोग उस सामान की तस्करी करने लग जाते थे। जीएसटी के चलते इस पर भी लगाम लगी है। केंद्र और राज्य सरकार के लिए करों की संख्या कम होने से कर्मचारी और अधिकारी दोनों का भार कहीं ना कहीं कम हुआ है। सारे डिटेल्स ऑनलाइन उपलब्ध होने से व्यवस्था की निगरानी बहुत आसान हो गई है। साथ ही रिकवरी कॉस्ट में कमी आई है और इस तरह से सरकारों के लिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत आसान हो गया है। अब बात करते हैं कि जीएसटी लगता कैसे है। तो आपको बता दें कि जीएसटी 3 प्रकार से लगता है। जीएसटी के अंतर्गत केंद्र और राज्य की ओर से लिए जाने वाले टैक्सों को सिर्फ 3 टैक्सों में शामिल कर लिया गया है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीजीएसटी,
ये टैक्स CGST केंद्र सरकार को देना पड़ता है जब सामान का लेन देन एक ही स्टेट के दो पक्षों के बीच में हो रहा हो। इसके बाद आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SGST। ये टैक्स SGST राज्य सरकार को देना पड़ता है, वो भी तब जब माल का लेन देन एक ही स्टेट के दो पक्षों के बीच हो। और अब लास्ट में आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IGST। ये टैक्स केंद्र सरकार को देना पड़ता है, वो भी तब जब माल का लेन देन अगर अलग स्टेट्स के दो पक्षों के बीच हो रहा हो। लेकिन राज्य के अंदर लेन देन की स्थितियों में आपको हर डील पर दो टैक्स देने पड़ेंगे, केंद्र सरकार को CGST और राज्य सरकार को SGST। दो राज्यों के बीच लेन देन की स्थिति में सिर्फ एक टैक्स देना पड़ेगा IGST, वो भी सिर्फ केंद्र सरकार को। हालांकि इस IGST के बाद में उपभोग करने वाले राज्य को हिस्सा मिलता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। GST थोड़ा सा जटिल है, इसलिए अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई सवाल अभी भी आपके जहन में है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके पास बहुत अच्छा जरिया है, आप भी घर में ऑनलाइन बैठे बैठे कमेंट लिखिए और बताइए कि आपको किस तरह का कौन सा सवाल पूछना है। यही नहीं, अगर आप GST के बारे में जान चुके हैं या GST के बारे में अब नहीं जानना चाहते, तो आप कोई और सब्जेक्ट हमें बता सकते हैं, कोई और विषय हमें बता सकते हैं जिस पर हम आपको इन्फॉर्मेशन दें, आपको जानकारी दें। लेकिन उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। बेल आइकॉन से क्या होगा कि जो हमारा वीडियो होगा, जो हम अपलोड करेंगे, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। इसके अलावा आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। OK क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।